अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी सी दुआ के बारे में जिस दुआ को रोज़ाना पढ़ें। रोज़ाना ना पढ़ सको तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, हफ्ते में एक बार भी पढ़ ना सको तो महीने में एक बार पढ़ो, महीने भी ना पढ़ सको तो साल में एक बार पढ़ो, और साल में भी ना पढ़ सको तो ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ना ज़रूरी है, और अगर खुद भी ना पढ़ सकें तो दूसरों से सुन लें, और अगर दूसरों से सुन भी ना सकें तो देख ही लें। हाँ दोस्तों, ये कौन सी सूरत है जिसे जानने से पहले मैं आपसे एक दिल गुजारिश करता हूँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई इस्लामिक वीडियो आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुआए मुस्तजाब के बारे में। यह दुआ बहुत ही फजीलतों वाली दुआ है। जो शख्स इस दुआ को नज़र भर के देखता है तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए दोजख के दरवाजे बंद कर देता है। यानी दुआए मुस्तजाब पढ़ने सुनने और देखने वाला बंदा कभी दोजख में नहीं जाएगा, अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और जब कोई बंदा इस दुआ को पढ़कर सुनकर अपनी किसी भी हाजत के लिए दुआएं मांगेगा, अल्लाह पाक उस बंदे की तमाम हाजतें पूरी करेगा। जब कोई बंदा दुआए मुस्तजाब को पढ़ता है, सुनता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे को 50,000 बीमारियों से शिफा याब करता है, सुभान अल्लाह, और 50,000 बलाओं से अल्लाह ताला उस बंदे को महफूज करता है, सुभान अल्लाह। यानी किसी प्रकार का जादू कराया हो, धराया हो, इन सब से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक उस बंदे के सारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर देगा, चाहे उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर हो या फिर आसमान से गिरने वाले पानी की बूंदों के बराबर हो। प्यारे दोस्तों, इंसान के शरीर में 50,000 बलाएं होती हैं। जो शख्स इस दुआ को पढ़ेगा, सुनेगा या फिर अपने पास रखेगा, जैसी बलाओं से महफूज रहेगा। जिस्म के तमाम हिस्सों में दर्द होता हो तो इस दुआ को पढ़ने की बरकत से ख़त्म हो जाएगा। इस दुआ को पढ़कर किसी मीटिंग या फिर मजलिस में जाएगा तो उस शख्स की खूब इज्जत होगी। दुआ पढ़ने वाले शख्स को दफना दिया जाएगा तो उस पर अजाब कब्र नहीं होगा। इस दुआ की फजीलत इतनी है, आप खुद पढ़कर देख लो, सुनकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है, ज़िंदगी में एक बार इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। दुआ इस तरह से पढ़नी है जो मैं आपको पढ़कर एक बार बता देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला आप भी पढ़ना और इसका सवाब लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इला अंतल रब्बुल अर्शिल अजीम। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूस। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अजीजुल जब्बारु। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मुसव्विरुल हकीम। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समी उल बशीरु। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इला अंतल बशीरु सादीक। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इला अंतल हय्युल कय्यूम। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला जब्बारुल मुतकब्बिरु। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इला मुबद्दिउल मुईद। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल लतीफुल खबीरु। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इला अंतल मदूल माजूद माबूद। सुभानका अंतल्लाहु ला इलाहा इला अंतल वाजिदुल माजिदू। तो इस तरह से इस दुआ को पढ़ें और इसकी तमाम बरकतें हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे आखिर में गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुआ के सदके तमाम मुसलमानों की मुसीबतों को दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार आमीन ज़रूर लिखें ताकि
अल्लाह ताला किसी के आमीन को अपनी बारगाह में कबूल करे और उसके सद के तमाम मुसलमान की मुसीबतों को दूर करे। अस्सलाम वालेकुम।